हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में बना रही हूँ पोहा। तो पोहा घर में सबको पसंद है और हेल्दी भी होता है, तो ज़्यादातर मैं पोहा ही बनाती हूँ। तो मुझे भी पोहा बहुत ज़्यादा पसंद है। आप बताइए, आपको कैसे लगता है? तो कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि मैं वीडियो डेली बनाऊं, डेली वीडियो शेयर करूं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूं कि मैं डेली वीडियो बनाऊं, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा है क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि घर में घर कलर हो रहा है, तो बहुत सारा काम हो जाता है। फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो काफ़ी सारा काम मेरे ऊपर आ जाता है, तो जिसकी वजह से मैं आलस भी कर जाती हूँ और वीडियो कंटिन्यू नहीं बना पाती हूँ। फिलहाल नाश्ता हमने कर लिया था, और उसके बाद ये जो बेड है जो नीचे वाले रूम में लगा हुआ था ना, वो हम ऊपर वाले रूम में ले आए। और इस काम में बहुत ज़्यादा मेहनत हो गई क्योंकि पहले हम ये जो बेड है इसको नीचे वाले फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर में लेकर आए, और फिर हमने यहाँ पे सेट किया। लेकिन हमने ये काम एक ही दिन में नहीं किया क्योंकि एक ही दिन ना इतना सारा काम करते, तो मतलब जो ये हैवी काम है। तो फिर एक दिन तो हम लेकर आए थे ऊपर वाले फ्लोर में, कुछ दिन तक ये ऊपर ऐसे ही रहा। फिर अब जाके हमने यहाँ पे सेट किया, और सांची घुसी है बेड के अंदर, वो थोड़ा साफ़ कर रही है बेड को, और मैंने बिछा दिए हैं न्यूज़पेपर। तो जो भी सामान इसके अंदर रहता है वो मैं सेट कर लेती हूँ। तो इसके अंदर ना कंबल वंबल ही रहते हैं, ये देखिए कंबल वंबल। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे रख लिए थे, तो फिलहाल मैं इनको ऐसे ही रख लूँगी, लेकिन इनको सुखाना पड़ेगा। पर अभी ना बहुत ज़्यादा डस्ट हो रखी है घर में, जिसकी वजह से मैं सुखाऊंगी नहीं इनको, इसी तरह से बेड में रख लूँगी। और बाद में जब पूरे घर की साफ़ सफ़ाई हो जाएगी, उसके बाद मैं ये जो रजाई गद्दे जो भी कंबल वगैरह हैं उनको सुखा लूँगी। फिलहाल मैं ऐसे ही सेट कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत ज़्यादा काम पड़ा हुआ है घर में, तो इस वजह से मैं डेली वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि एक तो घर का सारा काम भी करना पड़ता है, फिर स्कूल बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो उनको भी देखना पड़ता है। सारा कुछ मैं खुद ही से करती हूँ, और फिर वीडियो शूट भी करना होता है, तो फिर एडिट वगैरह भी करना होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो इस वजह से नहीं कर पाई मैं वीडियो शूट, और ना ही मैं डेली आप लोगों के साथ में शेयर कर पा रही हूँ। हालांकि मैं कोशिश तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन क्या करूँ, थकान हो जाती है। तो मैं सोच रही हूँ पहले ही अभी इतना काम जो है ये निपट जाएगा, तो उसके बाद मैं सोचती हूँ कि मतलब मैनेज करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ में डेली वीडियो शेयर करूँ। तो ये देखिए, सारा सामान मैंने सेट कर लिया है, और अभी ना सुबह का टाइम है, मतलब सांची को मैं स्कूल से छोड़कर आ गई हूँ, और 8 बजे मैं घर आ गई थी। उसके बाद मैं लग गई वीडियो एडिटिंग में, और अभी घर का कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ कि ये वीडियो मैं अपलोडिंग पे लगा लूँगी, और उसके बाद मैं अपना घर का काम निपटाऊँगी। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि सुबह सुबह करने ही पड़ते हैं। ये जो वीडियो है ये मैंने 2 दिन में शूट किया है, और ये देखिए बच्चों की बुक्स वगैरह यहाँ पे फैली पड़ी हुई हैं। ये जिस अलमीरा में थी वो खाली करनी पड़ी क्योंकि बुक्स रखने के बाद तो बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, तो खिसकाई नहीं जाती है, तो इसलिए पहले मैंने खाली कर दी। और फिर सेट करूँगी साफ़ करके, फिर ये जो बुक्स हैं यहाँ पे ये सारे सेट कर लूँगी अलमीरा में। और जो जब घर में ना कलर वगैरह कराओ तो काम मतलब इतना बढ़ जाता है, आपको पता ही होगा, डबल काम हो जाता है। तो पहले सारा सामान निकालो, फिर उसके बाद क्लीन करके फिर जाके सेट करो। तो काफ़ी टाइम इसमें लग गया था, काफ़ी दिन लग गए थे, और अब तो काफ़ी हद तक घर जो है वो सेट हो गया है। तो ये वीडियो मैंने पहले शूट किया था, काफ़ी टाइम बाद आप लोगों के साथ में मैं शेयर करने जा रही हूँ। आई होप कि आप सबको पसंद आएगा। और वैसे भी ना मैं तो रोज़ ही आप लोगों के साथ में वीडियो शेयर करना चाहती हूँ,
क्योंकि उसमें मेरा भी फ़ायदा है, मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ, ऐसा हो नहीं पा रहा है। और ये जो कंप्यूटर रैक थी, तो इसको भी अच्छे से साफ़ करके एक जगह पे सेट कर लूँगी। तो समूना यहाँ पे लैपटॉप रख लेगी और आराम से अपनी पढ़ाई करेगी, नहीं तो वो ना नीचे वाले फ्लोर में बैठी रहती है और वहाँ पे जो सोफ़े वगैरह रखे हैं ना, उसमें उसकी सारी बुक्स वगैरह फैली रहती हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी थी, तो पहले मैंने इस तरह से अरेंज करी थी, मतलब यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन रखी थी और फिर सामने मैं टेबल लगा रही थी, लेकिन अब फिर मुझे सही नहीं लगा तो फिर मैंने वॉशिंग मशीन वहीं पे रख ली जहाँ पे रहती ही है। और ये टेबल मैं इस तरफ लगा लूँगी, वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी बाद में कि किस तरह से मैंने लगाया है। और ये जो कलर हुआ है ना घर में, इनमें मतलब इसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है, तो मतलब एक एक चीज़ को इतने अच्छे से क्लीन करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है मेरी। मेरी हालत भी आजकल ना ऐसी हो गई है धूल मिट्टी से, ऐसे लगता है कि जैसे मैं खेतों में काम कर रही हूँ। और इतनी सारी बुक्स वगैरह हैं बच्चों की, इतना सारा काम मतलब है कि क्या बताऊँ मैं आपको, आप समझ ही सकते हो। तो ये सारी बुक्स मुझे अरेंज करनी है, तो इतनी थकान मुझे हो जाती है शाम तक, क्योंकि ये सारा सामान भी सेट करना होता है, अपना डेली का जो क्लीनिंग का होता है वो भी करना होता है, और इसी के साथ में ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर। तो एक हाउसवाइफ के लिए भी मतलब काफ़ी सारा काम हो जाता है और इतना आसान भी नहीं होता है। और फिर बच्चों को टाइम से खाना वगैरह भी देना होता है, और मुझसे तो ये बिल्कुल नहीं होता है कि काम पे लगे रहो और मतलब बच्चे भूखे बैठे हैं। कई लोग होते हैं ना, कई मैंने देखे हैं कि अपने काम पे लगे रहेंगे, बच्चों को टाइम से खाना नहीं देते हैं, बच्चे भूखे रहते हैं। तो मेरा ऐसा नहीं है, तो मैं बच्चों को टाइम से खाना दे देती हूँ, उसके बाद मैं अपना लगी रहती हूँ टाइम निकाल निकाल के छोटा मोटा काम करने में। और कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि सुबह ब्रेकफास्ट बनाते हैं, मतलब जैसे रोटी बना ली तो लंच के लिए भी सुबह ही बना लेते हैं, तो वही फिर लंच में खा लेते हैं। लेकिन हमारे साथ में ऐसा नहीं है, ब्रेकफास्ट अलग बनेगा, लंच अलग बनेगा और डिनर अलग बनेगा, तो तीनों टाइम ही खाना बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि कभी कभार ना राजमा बना लेती हूँ हस्बैंड के टिफ़िन के लिए, तो फिर बच जाती है, तो फिर लंच में चावल बना लेती हूँ उसके साथ।